नमस्कार, जबलपुर लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सोनी और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। अपने बयानों और आतंकवादियों की पैरवी करने वाले जेएनयू के छात्र नेता कन्हैया कुमार और चाट आंदोलन से कांग्रेस विधायक बनने वाले जिग्नेश मेवाड़ी की सभा जबलपुर में आयोजित होने से पहले ही तोड़फोड़ और हंगामे की भेंट चढ़ गई। हिंदुवादी संगठनों समेत अन्य संगठनों ने सभा स्थल में जमकर तोड़फोड़ कर दी। यही नहीं, आयोजकों से उनकी तीखी नोकझोंक भी हुई। मामले की सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। वहीं शहर कांग्रेस ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई है। कन्हैया कुमार द्वारा सभा का आयोजन किया गया था। कन्हैया कुमार एक संदिग्ध आदमी है जिसने 2016 में जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाए थे, अफजल गुरु की फांसी के समर्थन में उतरे थे, देश के टुकड़े करने की बात की थी। ऐसे संदिग्ध और ऐसे आतंकवादी देशद्रोही की सभा जबलपुर की पावन भूमि संस्कारधानी में हिंदू सेवा परिषद कदई बर्दाश्त नहीं करेगा। दुर्भाग्यपूर्ण है कि जबलपुर की पावन भूमि में ऐसे घटिया आदमी के कदम पड़े जिसका विरोध आज हिंदू सेवा परिषद ने किया है। और अगर कहीं और भी सभा का आयोजन होता है और हमको जानकारी मिलती है तो हम वहां पे भी उग्र प्रदर्शन करेंगे। जबलपुर की पूर्व विधानसभा बेलबाग में देर रात हुए गोली चलाने और पथराव में पुलिस ने 20 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट कर लिया है। एसपी ने जानकारी देते हुए बताया है कि गोलीबारी में भाजपा के विश्वास सोनकर और कांग्रेस के दो अन्य कार्यकर्ताओं को गोली लगी थी जिससे वो घायल हो गए थे। वहीं उन तीनों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है जिसके बाद दोनों पक्षों के 20 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। गौरतलब है कि देर रात प्रचार के दौरान बेलबाग में साड़ी बांटने को लेकर भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जमकर विवाद हुआ था जिसके बाद दोनों पक्षों ने बम और गोली चलाते हुए पथराव कर दिया था। बहरहाल पुलिस ने सुरक्षा के लिहाज से क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है। गोली भी चलाई गई जिनका फुटेज हमारे पास आ गया, चिन्हित हुआ है। एक और परंपरा है जो बहुत ही गलत परंपरा है, गलत नामों को लिखाने का। FIR तो होता है लेकिन बेगुनाह लोगों को जो स्पॉट पे नहीं रहते हैं उनको फंसाया जाता है, उनका नाम लिखाया जाता है। हम पूरा प्रयास करेंगे अपनी विवेचना में न्याय करें क्योंकि हमारे पास पर्याप्त साक्ष्य है। हमारी पूरी टीम रात भर जगती रही, विभिन्न CCTV फुटेज को हमने खंगाला है। हमें अधिकांश जो राउंड चले हैं उनके खाली कारतूस मिल गए हैं। स्थान भी हमारा चिन्हित हो गया कि कहां से गोली चलाई गई और किस तरह से किस एंगल से गोली चलाई गई है, ये भी हमारे पास फुटेज मिल गया है ताकि कोई आरोप न लगाए कि पुलिस प्रशासन द्वारा किसी पक्ष का सहयोग किया गया, साथ दिया गया। जो न्याय संगत है, विधि संबद्ध है, हम वो कार्रवाई करेंगे। जबलपुर पुलिस ने पूर्व विधानसभा के भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशियों को उनके ही घर पर कैद कर लिया है। अब पुलिस 2400 घंटे इन पर नजर रखकर ये देखेगी कि कौन कौन इनसे मिलने आ रहा है। पूर्व विधानसभा के बेलबाग में दो राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों के बीच उपजे विवाद को लेकर जबलपुर पुलिस ने अब एक नया प्लान तैयार कर लिया है। बेलबाग इलाके में कल हुई फायरिंग और पत्थरबाजी के चलते जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर जबलपुर पुलिस ने दोनों ही दलों के 20 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। एक 307 का प्रकरण है, दोनों तरफ से हुआ है। एक 353 का मामला है और एक और मामला दर्ज हुआ है। तो ये और भी अभी उसमें प्रकरण दर्ज होंगे और शिकायतें भी आ रही हैं उसमें, लेकिन अभी तक 20 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया है। और पूरा फोकस ये रहेगा कि जो एक गलत परंपरा है गलत नामों को लिखवाने की, उस पे रोक लगी। मंगलवार को ग्राम पंचायत कुसमी के अंतर्गत ग्राम मटवारा के ग्रामीणों ने सड़क समस्या, प्रधानमंत्री आवास योजना, पानी की समस्या और अनेक समस्या को लेकर आगामी विधानसभा चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव की जनसंख्या 900 है और इसके बावजूद भी यहां पर प्रशासन की योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। 2 साल पहले प्रधानमंत्री योजना के तहत जो सड़क का निर्माण हुआ था आज उस सड़क का नामोनिशान मिट गया है। ग्रामीणों ने रोड नहीं तो वोट नहीं के नारों के साथ पूरे ग्राम में होर्डिंग्स और पोस्टर भी लगा दिए हैं। 2016 में इस रोड का निर्माण किया गया था प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, लेकिन हमें लगता है जैसे वो पापड़ बनते हैं उस तरह ये रोड बनाई गई थी। 2017 में उसका नामोनिशान खत्म हो चुका है कहीं भी, और बिल्कुल घटिया निर्माण सामग्री लगाई गई थी और कागजों पर रोड बनाई गई थी। वो रोड का निर्माण सही तरीके से नहीं हुआ था, उस समय विरोध किया था। और इस ग्राम के लिए हम लोगों ने अनेकों बार प्रयास किए हैं, जन सुनवाई में लेटर दिए हैं, आवेदन दिए हैं, तहसीलदार के यहाँ दिए हैं, लेकिन आज दिनांक तक कोई सुनवाई नहीं हुई। विगत 10 वर्षों से हमारे विधायक जी हैं यहाँ पे, लेकिन आज तक इस गाँव का एक भी दौरा नहीं किया गया उनके द्वारा। और सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं एक भी योजना में किसी एक परिवार को भी लाभान्वित नहीं हुआ है। कैसे माने कि जितने प्रतिनिधि आज तक जितनी ग्राम बोले हम चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं, लाभ क्या है? लाभ ये है कि हमारे जब कोई योजना को लाभ नहीं तो हमारे जैसे तो रहेंगे नहीं, वोट नहीं डालेंगे। कौन सा नेता की क्या प्रूफ है हमारे के साथ में, कौन कौन करके देगा?
वोटों के समय सबको ही बोलता है कि हम आपको ये काम करा देंगे, फिर दोबारा कोई सुनने को नहीं आता हमारे गांव में। विश्वास करें, हाँ विश्वास करेंगे, हमारे तक कोई प्रशासन आता है और जो हमारे अच्छे कैंडिडेट कोई आएगा हमारे लिखित में आश्वासन देवे, उसके बाद में हमारा फिर विचार करेंगे, वरना हमारे पे कोई वोट नहीं होगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए MSTV। नमस्कार।